आज हम बनाएंगे ओरियो मूस फ्रेप, जो एक अच्छा मूस की रेसिपी है। तो इस एक मिक्सी के जार में हम एक कप आइस लेंगे, ये हमने आइस क्यूब लिए हैं, और अब हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। ये मूस पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आधा कप हम इसमें चिल्ड मिल्क का यूज करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून कॉफ़ी का यूज करेंगे। एक टेबल स्पून कॉफ़ी का यूज करेंगे और ये मूस घर पे आसानी से बन जाता है और पीने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और दो टेबल स्पून हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप का यूज करेंगे। ये देखिए बहुत ही यमी, अभी भी कितना सामग्री से ये यमी लग रहा है। और 5 से 6 ओरियो बिस्किट को हमने टुकड़ों में कट करके इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से चर्न करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले ओरियो बिस्किट का पाउडर बना दे, उसके बाद बीस को मिक्स कर दे तो भी चलेगा, और इस तरह से करेंगे तो भी चलेगा। ये ड्रिंक पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है, ये मूस बहुत ही बढ़िया लगता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया अपना ये मूस तैयार हो के आएगा। अभी हम इसको ग्लास में निकाल देंगे। अभी ये थोड़ा थीक है क्योंकि इसमें आइस क्रिस्टल है, अब थोड़ी देर बाद वो थोड़े थोड़े मेल्ट होने लगेंगे तो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पर हमें बहुत ज़्यादा थिन इसको नहीं करना है। और अब हम इसको व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट करेंगे। हमने पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगाया है और इसको डेकोरेट किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम ये जो ओरियो बिस्किट के क्रम में उसे इसको कोट करेंगे। लीजिए ओरियो मूस फ्रेप तैयार हो गया है।